ठीक रहती है। देखिए जो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई है पूरे प्रदेश में लगभग 0.7 mm के आसपास हुई है, और आमतौर पर अक्टूबर के महीने में जो है लगभग 2 सेंटीमीटर 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो ओवरऑल देखेंगे कि -97% है, लेकिन आप देखेंगे कि ओवरऑल ही रेनफॉल लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो जो कि काफ़ी कम है हमारे पास। और आमतौर पर देखेंगे कि जो अक्टूबर का महीना क्लाइमेटोलॉजी वाइज भी कम रेनफॉल का होता है, क्योंकि इसी समय मानसून का विड्रॉल होता है, विंड डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं। तो हालांकि ये -97 एक बड़ा फिगर लगता है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो 2 mm से 3 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, और सिर्फ जो रियलाइज हुई है 0.7 mm की रियलाइज हुई है। आने वाले दिनों की बात करते हैं तो जैसे धूप खिली हुई है अगले 5 से 7 दिनों तक पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही धूप खिली रहेगी, और बादल बहुत ही कम रहेंगे हमारे पास, और जो तापमान है उसमें सवेरे और शाम आपके पास थोड़ी सी गिरावट होगी और ठंड महसूस करेंगे। और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला जिले के आसपास बना रहेगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास शिमला के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बना रहेगा। के टेम्परेचर चूंकि अभी कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास इफेक्ट नहीं किया हिमाचल प्रदेश में, तो इतनी अभी सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेनफॉल और स्नोफॉल कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो जो टेम्परेचर में गिरावट होगी वो ग्रेजुअल ही हमारे पास धीमे धीमे करके ही आगामी दिनों में होगी, बहुत रैपिड नहीं होगी। जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसके एसोसिएशन में रेनफॉल या स्नोफॉल होगा, तब हमारे पास तेजी से चेंजेस रियलाइज होंगे।